अस्सलाम वालेकुम। आज की अपडेट ये है कि जो पीएमसी की जो एक प्रेस रिलीज़ हुई है और इस प्रेस रिलीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनमें ये है कि वो स्टूडेंट जो कि रिपीटर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उनके जो हैं वो जो पिछले साल के जो के जो मार्क्स थे वो इस साल से जो है वो ज़्यादा थे। लेकिन ये बात जो है वो जो कि एमडीकैट 2021 रेगुलेशन के अंडर ये है कि जो एमडीकैट का जो रिज़ल्ट होगा वो 2 साल के लिए वैलिड है। इसका मतलब कि जो कि 2021 में जिन्होंने एमडीकैट दिया वो अपने उसी रिज़ल्ट के बेसिस पर जो है वो इस साल भी जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है वो 2021 के जो कि उनका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि इम्पॉर्टेंट जो कि जो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि वो स्टूडेंट जो कि ये जो जिन्होंने 2021 में फर्स्ट टाइम एमडीकैट दिया है वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं। लेकिन पीएमसी ने ये बात जो वाजे कर दी है कि जो 2021 में जो एमडीकैट हुआ है उसके जो लोअर स्कोर हैं वो एमडीकैट 2021 के जो है वो कंपैरेटिवली उनके स्कोर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ये बात क्लियर है कि 2021 के लोअर स्कोर 2020 के हायर स्कोर से ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू जो 2021 का जो एडमिशन क्राइटेरिया और जो स्कोरिंग क्राइटेरिया होगा। तो ये थी आज की अपडेट। तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये अपडेट कैसी लगी है और आपके अपने ओपिनियन क्या है इसमें। तो वीडियो पसंद आने पर इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।